जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्विंग हाई स्विंग लो क्यों मार करते हैं। तो जैसा कि अभी ये शाहिद ने बताया कि हमें पता चले ट्रेंड कब रिवर्स हो रहा है। अगर मैं आपसे अभी इस हालत में पूछूं कि मार्केट अगर यहां तक आती है तो क्या ये ट्रेंड चेंज होगा, चले मैं इधर गया, अगर मार्केट यहाँ इस लेवल पे आ जाती है तो क्या यहाँ ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा इस लेवल तक अगर आती है तो? अगर इस लेवल तो तक आती है सर जब तक हमारे पास हमें वो हायर लो नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। हायर लो एग्जैक्टली को वो जब क्रॉस करेगा तब। यही तो पॉइंट है, यही तो वजह है कि इसलिए हम स्विंग हाई स्विंग लो मार करते हैं कि हमें पता हो कि कौन सा मार्केट का वो प्राइस लेवल है जो ब्रेक होगा, तो हमें इंटीमेशन आ जाएगी कि बी विजिलेंट, अब आप मुहतात हो जाएं कि ये ब्रेक हो चुका है। फिर हम अपने रूल्स देखते हैं कि किस हालत में ब्रेक हुआ है, क्या इंपल्स की फॉर्म में ऊपर गई थी मार्केट या इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक हुआ है या कोई मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता चलता है, इसलिए हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। पॉइंट समझ आया सही आपको? जी जी मुझे समझ आ गया सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन मुझे स्टिल हाँ जी, वो अब कंफ्यूज दूसरा है। क्वेश्चन, मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं समझ देखें, ये मार्केट ऊपर गई है नीचे आई, फॉर एग्जाम्पल या मार्केट ने लोअर हाई बना दिया फिर ऊपर निकल गई फिर नीचे आई है फिर ऊपर निकल गई, अब आप पूछ रहे हैं क्या ये वाला जो पहले वाला हायर लो था वो वैलिड है या ये वैलिड है? यस तो सिंपल सी बात है, जो उस वक्त अगर मार्केट ये एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर था फिर ऊपर चले गई है तो यहाँ तक जो लोएस्ट पॉइंट होगा ऑब्वियस सी बात है वही हमारा लोअर हाई होगा, ये तो नहीं ना होगा। और क्या इसके ब्रेक होने से हमारा ट्रेंड चेंज होगा, इसके दोबारा ब्रेक होने से फिर नहीं हमारा जी, सही ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह हमारा सही हायर हाई है। जी जी, थैंक यू जी। बिल्कुल, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस किस को आता है? चलिए, मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है सर। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन है जरा, सब अपना कॉन्सेप्ट शेयर करें। सर जी, पहले हम हाई वन डे टाइम फ्रेम पे सर स्ट्रक्चर मैप करेंगे, फिर ओके ठीक सर 4 आवर में, फिर 1 आवर में, फिर 15 मिनट में सर एंट्री के है लिए। ठीक है, और कोई इनपुट आपकी तरफ से ये? बाकी लोग भी ऐड किया करें, बोलने से कॉन्फिडेंस भी आता है, बोलने से बंदा ज्यादा भी सीखता है। और सर जी, और तो मुझे सर जी इससे ये होता है कि जो वन डे टाइम फ्रेम, जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस पे जो उसकी डायरेक्शन होगी सर, वो हमें ज़्यादा यानी कि हमारी वैल्यूएबल होगी। सॉरी, अच्छा और कोई, चलें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम में मिनिमम कितने टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं? क्या हमने लाजमी है कि 3 टाइम फ्रेम की बेस पे किया गया एनालिसिस ही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, या 4 या 3, कितने टाइम फ्रेम मिनिमम हम यूज करके इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं? सर 1 आवर और सॉरी सर 4 आवर और 1 डे वाला टाइम फ्रेम सर। नहीं, मैं ये नहीं पूछा कौन कौन सा टाइम फ्रेम, मैं कह रहा हूँ कितने टाइम फ्रेम मिनिमम, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं दो सर, कि दो सर, दो मिनिमम 2 टाइम फ्रेम, बिल्कुल सही, बाकी कोई लोग भी बताएं। सर, दो दो ठीक है ठीक है, और सर। कोई? मल्टी टाइम फ्रेम में जो है, हम एक तो स्ट्रक्चर मैपिंग तो हम दोनों या तीनों टाइम फ्रेम में करते हैं, लेकिन उसमें हमें जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो स्मॉलर टाइम, मतलब जो हमारा बिगर टाइम फ्रेम होता है, उसकी जो स्विंग्स होती हैं उसके, अगर जब हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो छोटा टाइम फ्रेम हमें उसमें अपनी एक स्विंग्स बता रहा होता है। लाइक बड़े टाइम फ्रेम में तो एक ही लेग जा रही है, हमें शो हो रहा होता है, लेकिन हम जब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वहाँ पे वो मतलब हायर हाई हायर लोज अपने हिसाब से बना रहा होता है, तो उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्या करेगी अब। ठीक है, चलिए सही है, मल्टी टाइम फ्रेम का पहला आंसर मैं आपको दे दूं, मिनिमम 2 टाइम फ्रेम, फिर 3 कर ले 5 कर ले 7 कर ले, वो आप पे डिपेंडेंट है। मिनिमम 2 टाइम फ्रेम को एनालाइज करना, इसको हम कहते हैं बेयक वक्त एट अ टाइम, ठीक है, सेम वक्त में, उसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम क्यों करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें आपने थोड़ा सा तो मुझे आंसर दिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे सम टाइम एक ही लेग लगती है, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर भी छोटी छोटी स्विंग्स हैं। इसको अगर मैं लॉजिकली आंसर आपसे पूछूं कि क्या किस तरह मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या फायदा है इसका मल्टी टाइम फ्रेम का?
सर इसमें वो रिफाइन मिल जाते हैं एंट्री अगर हम करना चाहें, क्योंकि हम जो बड़े टाइम फ्रेम में करें तब तो हमें वो ट्रेंड का पता चल जाता है, तो जिसमें जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड होता है वो भी कभी कभार रिवर्स भी हो जाता है, तो बड़े टाइम फ्रेम होता है हसमुराग भाई, तो उसके आपने अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रेड करते आपने हैं। दो इंस्ट्रूमेंट से ज्वाइन किया है, लैपटॉप और मोबाइल से मेरा ख्याल है। जी जी सर, सॉरी सर, एक को म्यूट कर लेना क्योंकि वो आवाज बाउंस बैक हो रही सॉरी सॉरी सर, जी सर, सभी ओके सर। है। जी जी इशू ठीक है। अच्छा चले, एक तो चीज आप समय कहते हैं जी एंट्री रिफाइनमेंट, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम जब एंट्री टेक्निक पे जाएंगे उसको स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें क्या फायदा है इसका, स्ट्रक्चर ये मैपिंग? सर जी, इसमें ये हो सकता है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है 1 डे, और अगर 4 आवर अलाइन है ना सर आपस में, दोनों एक ही जी डायरेक्शन में है, तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उसमें बाय की एंट्री ढूंढें। अगर वो डाउन ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम में तो हमारी कोशिश होगी कि हम सेल की एंट्री ढूंढें। चल, ये तो एंटी टेक्निक का कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। मेरा क्वेश्चन फिर उधर ही खड़ा है, हमें मल्टी टाइम फ्रेम से स्ट्रक्चर में क्या फायदा होता है, स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में सर स्ट्रक्चर में ये फायदा होता है कि इट इज पॉसिबल है कि आपके एक टाइम फ्रेम की जो स्विंग हाई या स्विंग लो है वो दूसरे टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट हो। तो इन चीजों को कंफर्म करने के लिए जो जब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या वाकई ये मार्केट इसी तरह रिएक्ट कर रही है या मार्केट कोई ट्रैप वगैरह बना रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 मिनट पे आप क्योंकि मेरे जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने किए थे, तो वो जब स्विंग चार्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने ये देखा कि स्विंग चार्ट जो 15 मिनट पे बन रहा है वो 1 आवर पे वो इंड्यूसमेंट बन रही है। तो ठीक है, इसके अलावा इससे जी जमशेद आपको इनपुट देना चाह रहे हैं, बताएं। कोई और सर बता? वैसे अच्छा चलें, कोई इशू नहीं जी। ग्रुप में अभी मिस शकीला जरा ऑनलाइन है, ये जरा बताएं कि मल्टी टाइम फ्रेम का हमें क्या फायदा होता है स्ट्रक्चर के लिए। एंट्री को छोड़ दें अभी, एंट्री रिफाइन करना ये फायदा होता है, स्ट्रक्चर के लिए क्या फायदा होता सर, स्ट्रक्चर में यही होता है कि आप जो बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं तो सर वो बात एंट्री तक भी आई जाती है कि जब आप उसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि कहाँ पॉसिबिलिटी है, दोनों कहाँ पे अलाइन हो रहे हैं और आप कहाँ से एंट्रीज ले सकते हैं। है? ठीक है चलें, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, वो बात सही है, एंट्री वाली बात सही है। स्ट्रक्चर में क्या फायदा होता है, मेरा क्वेश्चन फिर वही खड़ा है। चलें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने अच्छी इनपुट दी है, बात घूम फिर के उधर ही आएगी, लेकिन लॉजिक ये है एंट्री किस पॉइंट पे लेनी है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि सम टाइम फॉर एग्जाम्पल मैं किसी टाइम फ्रेम की अगर बात करूं गोल्ड 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है ये आपके सामने एक चार्ट है, ये हाई टाइम फ्रेम था, ठीक है हाई टाइम फ्रेम आपका बुलिश है टोटल, देख रहे हैं यस हाई टाइम फ्रेम टोटल बुलिश है, लेकिन मुझे कोई बंदा बता सकता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मार्केट का ये फुल पुल बैक यहां खत्म हो चुका है? सर, समझ नहीं लगी सर, क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा देखिए ये मार्केट का ट्रेंड बुलिश है टोटल, ठीक है जी सर। अब ये 1 डे टाइम फ्रेम है, अब 1 डे टाइम फ्रेम पे ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो पुल बैक है यहाँ खत्म हो चुका है, मार्केट का पुल बैक खत्म है अब मार्केट यहाँ से बुलिश कंटिन्यू करना चाह रही है? सर हम फिबोनाची यूज कर सकते हैं सर इधर, सर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करें, अभी सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ ये एस एंड पी। हाँ जी लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर शो करेगा सर। हाँ जी एग्जैक्टली, मल्टी टाइम फ्रेम का आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये बताता है कि हाई टाइम फ्रेम का पुल बैक कितना डीप जा सकता है, किस पॉइंट पे वो पुल बैक टर्मिनेट हो चुका है। पॉइंट समझ ठीक आया है आप लोगों को? जी सर, आगे सर सर ठीक है रिपीट ये करें सर आप। देखें, अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, डेली का ट्रेंड यस बुलिश है, तो ये पुल बैक कितना डीप हो सकता है, हमें तो नहीं पता था कि ये यहीं टर्मिनेट होगा,
हो सकता था कि मार्केट यहां से जब यहां तक गई है तो फिर नीचे आ जाती यहां तक, जी लेकिन ये पुल बैक यहाँ टर्मिनेट हो चुका है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से। मल्टी टाइम फ्रेम का क्या पता है कि जब डेली का ट्रेंड बुलिश है तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्रेंड है, इसको जब हम लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जब वो वाला ट्रेंड टर्मिनेट हो जाएगा, लो टाइम फ्रेम के पुल बैक का ट्रेंड, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये पुल बैक खत्म हो चुका है, मार्केट अगेन बाय कंज्यूम सॉरी बाय रिज्यूम करना चाह रही है। ठीक सर, है, ये छोटी वाली जो लोएस्ट कैंडल है, ये सिर्फ ये कैंडल जो है ये पुल बैक शो करती है सारी छोटे टाइम कैंडल देखिए। फ्रेम, पुल बैक क्या होता है? पुल नहीं छोटे बैक टाइम फ्रेम की सर मैं बात कर रही हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे तो एक कैंडल थोड़ी होगी, छोटे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ मल्टीपल कैंडल्स होंगी। यहाँ की मल्टीपल कैंडल्स वहां एक पुल बैक बनाएंगी। यहाँ की एक कैंडल वहां पे मल्टीपल पुल बैक बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है। छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा कैंडल होंगी कि बड़े टाइम फ्रेम? एक डेली कैंडल में H1 की एक कैंडल होगी या 24 कैंडल होगी? सर मैं यही मेरा क्वेश्चन था, शायद मैं समझा नहीं पाई कि एक कैंडल को जब हम सिर्फ करते हैं ना, मैंने आपको देखा था आपने एक कैंडल की तो पीछे छोटे टाइम फ्रेम पे वो काफी सारी बड़ी वो स्विंग बन रही थी, बिल्कुल तो सही यही है। मैं हाँ पूछना चाह रही थी। जी, वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे पे जाते हैं तो कैंडल्स, नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ जाती हैं, स्ट्रक्चर मजीद विजिबल नजर आना शुरू हो जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पॉइंट पे है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर स्ट्रक्चर मैपिंग, एंटी टेक्निक की हम बात नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला जो इसका मेजर फायदा है, हमें ये पता लगता है कि मार्केट कितना डीप पुल बैक ले सकती है और वो पुल बैक कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, पहला फायदा ये। दूसरा, इसी को फिर हम यूज करते हैं फॉर एंटी टेक्निक्स। ठीक है, वो हम एंटी टेक्निक में पढ़ेंगे, आज भी इसका थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा। अब ठीक सिर्फ मैं पहले मल्टी टाइम फ्रेम का कुछ छोटा सा बता देता हूँ। हम ये एक वर्टिकल लाइन लगा दी है, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन के आगे आगे सारा ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, कंप्लीट ट्रेंड बुलिश है। अब हम देखते हैं कि ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, ठीक है, अब ये आपका 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया है। अब इसको मैं दोबारा दो वर्टिकल लाइंस लगा देता हूँ एरिया कंटेन करने के लिए, यहां से यहां तक, इसके दरमियान हमारा पुल बैक है। अब ये पुल बैक कितना जा सकता है, कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे टर्मिनेट हुआ है। अब मैं 1 डे के साथ एक दूसरा टाइम फ्रेम ब्लेंड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल M15 टाइम फ्रेम, ठीक है, M15 टाइम फ्रेम ब्लेंड किया, दोबारा उसी जोन में आते हैं जिस जोन में हम इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। जो ट्रेडिंग व्यू के शॉर्टकट्स है ना, वो भी साथ साथ बता दिया करें। जी, मुझे पूछ लिया करें, मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी तो मेरा ख्याल है नेटवर्क काफी स्लो है, मेरा चार्ट ही लोड नहीं हो रहा जल्दी। हाँ जी, ये देखें, ये इसकी पुल बैक है सारा, ये कुछ इस तरह है, ठीक है। अब देखें, यहां से यहां मार्केट ने पुल बैक लिया है। अब हाई टाइम फ्रेम पे जब मार्केट नीचे आना शुरू होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम काउंटर ट्रेंड लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैप करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे। यानी मैं अगर M15 यूज करता हूँ, M15, तो यहाँ हम अगर इसका स्ट्रक्चर मैप करें, ये लो था, इस लो ने यहां से इंड्यूसमेंट ली, सिर्फ काउंटर ट्रेंड समझाने के लिए इंड्यूसमेंट ली, उसके बाद मार्केट नीचे आके यहाँ क्लोज हो गई, ठीक है, फिर मार्केट, एक सेकेंड सॉरी, हाँ जी ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं ये गलत है, गलत क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पहले 1 डे की इंड्यूसमेंट मार्क करनी है, हाँ जी ये आ गया।
अच्छा, बेसिकली जब डेली का ट्रेंड बुलिश होता है तो डेली की जब मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे जाती है, जैसे ये इंड्यूसमेंट है डेली की, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है ना, ये वाली जब क्लोजिंग आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं M15 पे। ठीक है, यस बेसिकली जब भी हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं तो मार्केट जब फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेती है तो फिर हमारी रेंज डिफाइन हो जाती है। चलिए, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम 15 पे जाएंगे या उससे छोटे बड़े पे भी जा सकते हैं? किसी भी जा सकते हैं। अभी मैं M15 इसलिए कर रहा हूँ कि दो टाइम फ्रेम को सिर्फ एनालाइज करेंगे, अगर चार को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो वो टाइम टेकिंग भी होगा अभी, जी और सर, दूसरा इतने छोटे पुल बैक में वो आपको फायदा नहीं होगा। या 3 से 4 टाइम फ्रेम का भी यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उस पर भी हम अभी स्टडी करते हैं, कोई इशू। जी सर, हाँ जी, ये आ ओके। गया, ठीक है, ये पुल बैक के नीचे ये मार्केट ने फर्स्ट इंड्यूसमेंट ली है। ठीक है, अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है और ये क्लोजिंग, अब हमने काउंटर ट्रेंड यहाँ से मार करके देख लें। काउंटर ट्रेंड कैसे करना है, जो आपको मोस्ट विजिबल स्विंग लो स्विंग हाई, जैसा कि ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करें, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है लास्ट, क्यों ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली है। ठीक है, उसके बाद हम इसको फर्दर मैप करते जाएंगे डाउन साइड पे, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज किया तो अब कितना डीप पुल बैक हो सकता है। अब हमने वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से ये इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल, इंड्यूसमेंट पे लेने के बाद ये नीचे भी क्लोज मार्केट, अब ऊपर भी क्लोज है नीचे भी क्लोज है, तो ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो गया और लोअर टाइम फ्रेम का ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई बन गया। ठीक है, तो अब जब यस इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज है तो हमें पता है कि इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज है तो मार्केट नीचे जा सकती है फर्दर, तो हमने अब अपनी रेंज भी फाइंड कर ली। अब ये वो पॉइंट है जो आप बात कर रहे कि एंटी टेक्निक के लिए भी फायदा होता है, तो यहाँ हमें एंटी टेक्निक का भी फायदा है। दूसरा, पहले हम पुल बैक की बात करेंगे, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट अगेन नीचे गई इस पॉइंट पे, यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ से ली है, ये सारी इनसाइड बार्स हैं, इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट फिर ऊपर गई, जब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई इस लो से, तो ये मार्केट ने ऊपर दोबारा इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज और इस लो के नीचे यहाँ स्वीप है, बल्कि क्लोज है, चलेगा, यहाँ भी क्लोज नहीं है तो यहाँ क्लोज है इस पॉइंट पे, तो दोबारा हमारा जो स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे आ गया, ये स्विंग लोअर हाई, ये स्विंग लोअर लो, और ये मेरा नेक्स्ट लेवल आ गया, कि अब ये लेवल ब्रेक होगा तो पुल बैक टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर, मार्केट को, जी, ये जो स्विंग हाई वाले पॉइंट हैं, ये कैसे आप ड्रैग कर रहे हैं ये, इसका तो अच्छा ये क्या है? देखें, सिंपल आपने क्या करना है, इस पे पहले क्लिक कर लेना, फॉर एग्जाम्पल ये डॉट है, जिस भी चीज को आपने डुप्लीकेट करना है उस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और उसको खींच जाएं, कंट्रोल प्रेस किया फिर खींच दिया, फिर क्लिक किया कंट्रोल प्रेस किया, ऐसे ये डुप्लीकेट होते जाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अब ये दोबारा लोअर हाई यहाँ आ गया, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया इस पॉइंट पे, बॉस, मार्केट फिर नीचे आई, अब जब मार्केट ने ये लो बनाया, इस लो ने कहाँ से इंड्यूसमेंट ली, इस लेवल से, ठीक है, अब इस इंड्यूसमेंट के ऊपर भी कैंडल बॉडी क्लोज आई आपके सामने IDM, और उसके बाद इसके नीचे भी देखेंगे प्राइस का रिएक्शन क्या है, तो नीचे भी क्लोज है स्लाइड से अगर आप देखें तो। ठीक है, ये क्या बन गया आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये आपका लोअर लो, ये आप सॉरी लोअर हाई, ये आपका लोअर लो। अब जब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो मार्केट एक अग्रेसिव मूवमेंट करते हुए यहाँ आके मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब जब फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हुआ तो आपको पता चल गया कि ये मेरा पुल बैक यहाँ खत्म हो गया, कैसे, फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर जैसे हुआ तो मुझे कैसे पता चल गया कि ये खत्म हो गया है, क्यों, अब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को अगर आप ड्रैग करें लेफ्ट साइड पे, तो ये देखें
मार्केट कहाँ से टैप किया मार्केट, फेयर वैल्यू गैप्स आपने स्टडी किए हैं ना, लेक्चर देखे होंगे थोड़े से, ये देखें मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आई डेली के, M50 ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, अब M50 पे दोबारा चले जाएं, ये देखें जैसे M50 ने टैप किया यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन मिली, यहाँ आप इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप का रीटेस्ट है, यहाँ एंट्री नहीं ले सकते तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सके तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, फिर देखिए आप कैसे ट्रेंड राइड कर रहे हैं। पॉइंट समझ आया सबको? यस सर, पॉइंट तो जी समझ आ गया, सर। ये मल्टीपल एंट्रीज वाला वो बाद में बताएंगे। नहीं वो मल्टीपल एंट्रीज नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ बाय कर सकते हैं, वो तो सिंपल है, अभी आपको मल्टी टाइम फ्रेम का पता चला कि क्या फायदा होता है, एक टाइम फ्रेम पे रह के आपको कभी पता नहीं चलना था कि यहाँ मार्केट क्या कर चुकी है, लो टाइम फ्रेम ने आपको बता दिया, और ये सहूलत ये फायदा सिर्फ आपको SMC देती है, ICT कभी आपको या कोई भी, मैंने बड़े मतलब मेथड स्टडी किए हैं, किसी से नहीं पता चलता कि ये ट्रेंड यहाँ टर्मिनेट हुआ है कि नहीं, ये वह SMC है जो आपको सीधी लाइन लगाने का मौका देती है कि भाई यहाँ लाइन लगा दो ट्रेंड टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ लाइन लगा दो यहाँ इंड्यूसमेंट है, ये स्विंग हाई ये स्विंग लो है, देखें कितनी प्यारी इंडिकेशन, यहाँ मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, अब जो एंट्री की बात कर रहा हूँ वो सिंपल है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हम एंट्री टेक्निक में इसको मजीद स्टडी करेंगे, ये देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ आप फर्स्ट पुल बैक पे एंट्री ले सकते थे, अगर फर्स्ट पुल बैक आपका मिस हो चुका है तो नेक्स्ट एंट्री आप कैसे ले सकते हैं कि ये आपकी ये आपका हायर लो, जी, अली फरहान अकरम क्वेश्चन करें। जी जी शुएब भाई, हमें ये चाक कंफर्मेशन की जरूरत है या बस एक दफा चाक हो गया तो बस ठीक है? अभी हम अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम का क्या फायदा होता है, कहाँ कंफर्मेशन लेनी है, कैसे कंफर्मेशन होनी है, ठीक है, क्या सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर बेस कंफर्मेशन लेनी है या कोई और भी टेक्निक है, ठीक है, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे, जो होपफुली आपने स्टडी की हुई है, जिसे हम कहते हैं MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, लेकिन कौन सी ज्यादा स्ट्रांग होती है, सही हाई सही प्रोबेबिलिटी किस टाइम में होती है, ये हम आगे स्टडी करेंगे, अभी यहां तक का कोई क्वेश्चन है और तो जरूर पूछें, सर, ये अल इन्हीं के फरूकी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जी, आपने तो MMS का नाम ले लिया, तो ये भाई ने जो क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड है। आपने तो MMS का नाम ले लिया। नॉर्मली आप कहते होते हैं कि जी चेंज ऑफ करेक्टर के बाद पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, तो वो वेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। अच्छा वो देखें मैं वो बताता हूँ, वो जो होता है ना, हम जब एक एक टाइम फ्रेम की बात करते हैं ना, सिर्फ एक टाइम फ्रेम की, ठीक है, मतलब मैं अगर आपसे ये बात करूं कि मैं सिर्फ डेली के टाइम फ्रेम को देख रहा हूं और मैं किसी टाइम फ्रेम की सपोर्ट नहीं ले रहा, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मल्टी टाइम फ्रेम का क्या फायदा है, ये आपको क्विक रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है, कि मार्केट क्या करने जा रही है, हाई टाइम फ्रेम पुल बैक ले रहा है, लो टाइम फ्रेम ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, इट्स मीन कि यहाँ आपका पुल बैक टर्मिनेट होने जा रहा है, दूसरी दूसरी इसकी क्या स्ट्रॉन्ग जो कह लें कि प्रूफ था वो क्या था, डेली का फेयर वैल्यू गैप जिसमें से मार्केट उठी है, और डेली का फेयर वैल्यू गैप वो था अभी बुलिश ट्रेंड में, ऑलरेडी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे यूटिलाइज करेंगे साथ, ठीक है, वो पॉइंट समझ आया आप लोगों जी को, सर, यस सर, बाकी तीसरी चीज एक बात याद रखें, फोरेक्स में 100% कंफर्म कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंड ये आपको SMC बताती है, इन्हीं इन्हीं मेथड से मैं ट्रेड करता हूँ, ये आप जो लोग मेरे ग्रुप में उन्होंने देखा होगा कि जब मार्केट ने चौक किया था तो मैंने इसको 1990 तक प्रोजेक्ट किया था कि मार्केट जा सकती है, ठीक है, तो सिर्फ इसी की बेस पे था, और ये डेली का फेयर वैल्यू गैप उसके साथ अलाइन हो रहा था, फ्लड बेस्ड स्ट्रेटजी थी ये, मेरा ख्याल एक चार्ट भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये मैपिंग अभी तक वहां की वैसे पड़ी है, ये देखें डेली का फेयर वैल्यू गैप,
मार्केट यहाँ आई है और यहाँ से मैंने बाइक इंडिकेशन दी थी, ये एरो लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपके सामने कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है, अब आप इजीली समझ सकते हैं कि ये सेटअप मैंने क्यों दिया था, ठीक है, कि डेली का फेयर वैल्यू गैप था। ये जब आगे आगे आप एडिट टेक्निक स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट किसको रिस्पेक्ट दे सकती है। जी हाफिज मोहम्मद शाह, जी, हम यहाँ यानी कि जो वन डे टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट लेने के बाद सर हम उसको 15 मिनट पे जाके उसमें चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं चलिए अब ये तो वन डे का चार्ट था, मैं ऐसा करता हूँ कोई और एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लेते हैं यूरो यूएसडी, ठीक है, जी ये सर, यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये मेरी एक्सेल की प्रोजेक्शन थी, ठीक है, मार्केट वहां से रिजेक्ट हुई है अभी। चलें अब हम बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, वो तो वन डे चलो हमने स्टडी कर लिया। अब आप देखें मार्केट का ट्रेंड क्या है, H4 में बुलिश है सर। बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है H4 में, जो पहली इंड्यूसमेंट है किस लेवल पे है, इस लेवल पे है। जी सर, अब इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट दोबारा बाइक रिज्यूम करना चाह रही है, मार्केट तो बाजार सेल लगना शुरू हो गई है अब, लेकिन हम तब तक इसको सेल नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, मेजर जब तक इंड्यूसमेंट ये था लो ये। ब्रेक नहीं हो जाता। ये लो मैंने क्यों मार किया है, ये वाला लो तो क्यों मार किया है, नहीं मेजर इंड्यूसमेंट है। हाँ जी ये दूसरी इंड्यूसमेंट है, एक सेकेंड, एच मैं समझा था शायद ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, तो H4 का लोअर लो यहाँ नहीं है, H4 का जो लोअर सॉरी हायर लो है वो पड़ा है इस पॉइंट पे, ठीक है, H4 का मैं समझा था ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, लेकिन ये इनसाइड बार है, ये इसका वैलिड हायर लो है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है, इस पॉइंट से फिर नीचे भी क्लोज ऊपर भी क्लोज, तो ये लोअर हाई, अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज कर दिया है, अब मार्केट कितना डीप आ सकती है, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले नीचे क्लोज किया है तो यहीं से बाय चली जाए, जी सर, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, यहाँ से ऊपर जाए इस सप्लाई जोन से दोबारा रिजेक्ट हो, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे है ये वाला, ठीक है, उसके बाद मार्केट छोटी छोटी स्विंग्स लेती हुई झूलती हुई नीचे आए, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक या IUF से दोबारा फिर बाय चली जाए, इसकी अब हमें कैसे पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि H4 पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे क्या कर दिया, क्लोज, क्लोज कर दिया अब हम सर। शिफ्ट हो जाएंगे M15 पे, सपोज कह ले मैं M15 की बात कर लेता, सर ये लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट हम जो भी करेंगे इंशाल्लाह लाइव मार्केट पे करेंगे, ठीक है, अब इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज है, अब मार्केट को मैं पीछे से स्विंग बना के लेके आऊंगा, देखूंगा मार्केट कहाँ स्विंग हाई स्विंग लो बना रही है, ठीक है, अगर मैं इस इंड्यूसमेंट के नीचे मोस्ट रिसेंट ही देखूं तो मोस्ट रिसेंट मार्केट ने क्या किया है, इस लोअर हाई के ऊपर मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोज की है, ठीक है, इंड्यूसमेंट के इसके ऊपर, सेकेंडली इसके नीचे मार्केट ने इस लो में यहाँ क्लोज किया नीचे जाके यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब अगर मार्केट दोबारा इस लेवल को कंज्यूम करती है, ब्रेक करती है इस लेवल को और ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज कर देती है, फिर छोटी सी इंड्यूसमेंट बनाती है, तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अच्छा अब मैंने आपको कहा कि हमें यहाँ इंड्यूसमेंट चाहिए, ठीक है, ये हम एंटी टेक्निक में स्टडी करेंगे कब इंड्यूसमेंट देखनी है कब नहीं, लेकिन छोटा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लेकिन आपको अभी समझ लगी ना कि जैसे ही H4 का क्लोज हुआ तो हमने अपना एक लेवल फाइंड कर लिया, कि ये लेवल ब्रीच होने के बाद हम मार्केट में अपनी दोबारा बुलिश एंट्री को फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये लेवल क्यों मार किया वो आपको समझ आ गया, क्योंकि इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज नीचे क्लोज तो ये स्विंग लोअर लो और सॉरी लोअर हाई और ये लोअर लो बन गया, अब मार्केट का हमने रिएक्शन देखना है कि मार्केट को हम कहाँ से सेल कर सकते हैं, हो सकता है मार्केट अब यहाँ से इस PUI जोन से दोबारा सेल जा सकती है, ठीक है, अगर इसने बेरिश कंटिन्यू रखना है तो, ठीक है ना,
दूसरा मैंने क्यों कहा कि जब मार्केट इसको ब्रेक करे तो इंड्यूसमेंट के बाद बाय, क्योंकि अगर आप इसको रिफ्रेश करें और सिर्फ वन डे पे चले जाएं, ये टिप्स इंशाल्लाह आगे आगे आपको मिलती जाएंगी, तो आप देखेंगे यहाँ डेली का कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का कोई इसमें बाइंग जोन नहीं है। देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, समझ आ रही है सबको? जी सर, जी यानी सर, अगर डेली का पीओआई जोन होता तो मैं फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर पे ट्रेंड के साथ अलाइन कर लेता, लेकिन क्योंकि वो एच फोर का ट्रेंड था, एच फोर में मार्केट ने फर्स्ट इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज की है, तो अब मुझे जब मार्केट लो टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, ठीक है, जिसे आप कह लें M15 कह लें, लो टाइम फ्रेम पे जब दोबारा दोबारा मार्केट अब चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, ठीक है, यानी ये अगर इस पॉइंट पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो फिर इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, देन हम बाय दोबारा रिज्यूम करेंगे, जी सर, ठीक हो गया सर। ठीक है। या मैं हल्की सी एनोटेशन कर देता हूँ कि जब लेक्चर आपको मिले तो आपको समझने में आसानी हो। और फिर फाइनल जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगी मार्केट, तो फिर हम यहाँ से फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से बाय कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ लेफ्ट साइड पर डेली का पीओआई जोन होता, ये वाला डेली पीओआई, डेली का बाय जोन ये वाला होता, और जैसे ये चेंज ऑफ करेक्टर होता तो मैं पुल बैक पे उसको, बाय कर सॉरी, लेते। तो डेली का पीओआई जोन में टैप करती तो फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर पे मैं इसको बाय करना स्टार्ट कर देता, ठीक है। रिस्क हमारा डिफाइन हो जाता है कैसे, जब मार्केट फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो आपका एसएल बन जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, कुछ थोड़ी सी सेंस बनी है मल्टी टाइम फ्रेम जी सर एनालिसिस बनी, की, ठीक काफी है, ज्यादा बनी। चलें, अच्छी बात है। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको फाइनली एक छोटा सा जिसे कह लें, जिस तरह ये देखिए, ये ट्रेंड डेली का ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ठीक है, डेली जी का स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है ये वाला। अब मुझे आप में से कोई बंदा बता सकता है क्या आपको जैसे ही मार्केट यहां से उठना शुरू हुई है इस वर्टिकल लाइन की राइट साइड से, चलें मैं यहां कह देता हूं, जब मार्केट यहां से इतनी ऊपर गई है तो किस किस को यकीन था कि ट्रेंड चेंज हो चुका है इस पॉइंट पर? सर, वन डे का टाइम फ्रेम देखते हुए सर, हाँ जी, सिर्फ वन डे का, मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं वन डे का, जब ये कैंडल यहाँ आई फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, नहीं सर, ये नहीं कर वाली, सकते। ठीक नो है। सर, मैं हाँ आपको इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में हैं तो वहाँ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मतलब माशाल्लाह अच्छे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब ये इनगल्फ बना ना ये कैंडल, उन्होंने कहा जी ट्रेंड बेरिश हो चुका है, दोबारा रिज्यूम, मैं कहा ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ, ये ट्रैप कर रहा है सेलर को, मार्केट अब बाय जाएगी, मार्केट बाय जाएगी, तो वो क्या कंफर्मेशन थी मेरे पास, या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कंफर्मेशन हो सकती है? क्यों डेली की इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, और डेली की ये वाली कैंडल देख के, ये वाली कैंडल देख के डेली की दो कैंडल, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करता, सॉरी, ये वाली दो कैंडल्स, डेली की दो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी हो। सेकेंड चीज यहाँ क्या हुई थी वो भी आप देखें, मैं भी इसको रिमूव करता हूँ, आप चले जाएं जी 2 आर पे, चले सपोज करें, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि देखने का अंदाज कैसे बदल रहा है, कैसे सेल्फ बिलीव आएगा, ये देखें, जो आईसीटी ट्रेडर या एसएमसी ट्रेडर था ये क्या था, ये देखें, ट्रेंड लाइन सर, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, रीटेस्ट हुआ है, रीसेल जा रही है मार्केट, ये देख रहे हैं इस जी पॉइंट पे। सर, तो मैंने जब उनसे कहा कि जी ये मार्केट ट्रैप करने आई, नहीं जी नहीं, ये देखें ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, रीटेस्ट भी हो रहा है, यहाँ डेली का इनगल्फ भी बना है, अब अगर आप वन डे पे जाके देखें तो वाकई ऐसी चीजें हैं, ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग इनगल्फ बना है, यस सर, तो कंफर्मेशन कैसे मिलती है? जब डेली टाइम फ्रेम को, अब इसी पॉइंट को हम एनालाइज करते हैं, सिर्फ छोटा सा यहाँ से स्ट्रक्चर मैप कर लेते हैं, इतना हिस्सा, ठीक है,
इसको हम मार करके देखते हैं कि लो टाइम फ्रेम कैसे सपोर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सिंपल मैं जाता हूँ 2 आर, वो लोअर पे भी नहीं जा रहा, 2 आर पे चले जाते हैं, ठीक है। 2 आर पे मैं गया, मैं इस जोन में आया, इस जोन में मैं ट्रेंड मैप करता आ रहा हूँ ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। तो यहाँ आके मैंने देखा कि ये मेरा एक इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज की, मार्केट ने दोबारा इंड्यूसमेंट के नीचे बॉडी क्लोज की कैंडल की, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया, लोअर हाई, लोअर जी, ठीक है। ये अगर लोअर हाई है तो फिर ये क्या बना हमारा, लोअर लो सर, एक सेकंड, ये बन गया लोअर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट पुल बैक लिया, नीचे आई, तो इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रॉन्ग लोअर लो, स्ट्रॉन्ग लोअर हाई। उसके बाद मार्केट ने इसको क्या किया है, वॉयलेट किया है। ये देखें ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज, जी सर, इस कैंडल बॉडी क्लोज होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ये हाई था, इसने यहां से इंड्यूसमेंट ली आईडीएम, आईडीएम के बाद मार्केट ने क्या किया है, ऊपर क्लोज करके सर, इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने ये क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद देखें अब मार्केट ने ये वाली फास्ट शार्प मूवमेंट दी, जो बजाहर डेली कैंडल पे क्या लग रही थी, एक इनगल्फ, लेकिन स्मार्ट मनी ने बता दिया कि ये इंड्यूसमेंट है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, तो मार्केट ने यहाँ लॉक कर लिया अपने आप को। ये वो लेवल मार्केट ने बना दिया है, जो अगर ब्रेक हुआ तो ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। क्यों, इंड्यूसमेंट कैंडल बॉडी इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज, तो ये क्या बन गया दोबारा आपका, फिर हायर हाई हायर लो बन गया सर, ये आपका बन गया अब हायर हाई, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया, हायर लो सर। हायर लो, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रैप था, इसलिए मार्केट जब नीचे आई तो मार्केट ने क्या किया, सिंपल, अब अगर हम इसको H4 पे जाके देखेंगे तो यहाँ कुछ छोटा सा फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा, या आप हम एक क्यूएम में लेवल है, वो भी आप लोगों ने स्टडी नहीं किया, वो मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा। तो देखिए मार्केट ने उसके बाद उस लो को ब्रेक ही नहीं किया, देख रहे हैं, जी सर, नहीं किया सर। ये सर खूबसूरती ऐसे होती है स्मार्ट मनी की और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। जी पूछें, सर मैं यही कह रही थी कि भाई ऐसा ही किया जैसे आपने कहा ना, जी, उस लेवल को दोबारा ब्रेक नहीं किया, वो ऊपर ही गई। इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी मार्केट आपको पहले बता रही होती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ। एक टाइम फ्रेम में भी आपको डिसीव करे, जो डे बेस्ड ट्रेडर थे 1 डे पे, नो डाउट बड़ा स्ट्रॉन्ग इनगल्फ बना है यहाँ पे, ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग इनगल्फ है, वही रेड जोन है, ठीक है। जी सर, यहाँ वो अगर आप देखें H1 पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, तो सारे ट्रैप हो गए, उसके बाद मार्केट की जान ही देखें, ठीक है। ये चार्ट मेरी अभी ग्रुप में अवेलेबल भी होगा, जब हमने यहाँ से इसको बाय करना शुरू कर दिया था। तो इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी दो टाइम फ्रेम को ब्लेंड करके आप मार्केट की क्विक रिस्पॉन्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट क्या करने जा रही है। तो पॉइंट समझ आया आपको मल्टी टाइम फ्रेम का क्या क्या फायदा होता है। हेलो जी सर, सर, जी सलाम वालेकुम सर, चलिए अच्छी बात है। जी वालेकुम सलाम। सर। अब एक्चुअली व्हिच टाइम फ्रेम वी आर एनालिसिस सपोज टू बी, व्हिच टाइम फ्रेम वी आर अलाइन सपोज डे, 1 डे टू 2 आवर्स, और 1 डे टू देख, 15 मिनट का इट्स प्लीज। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मैं किसी को बाउंड नहीं करता। एक वर्ड यूज होता है फॉरेक्स में जिसे हम कहते हैं ट्रेड प्लान। आप अपना एक ट्रेड प्लान बनाएं कि आप किन 3 टाइम फ्रेम की बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छी, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं हमेशा D1, H4 या H2, M30 या M15, यानी 3 टाइम फ्रेम आप कर लें डेली में से, डेली तो करना ही करना है। D1 के साथ H4 कर लें, या 2 आर कर लें, या डेली के साथ H4 कर लें, बल्कि अगर मैं छोटा सा यहाँ आपको लिख दूँ थोड़ा सा, तो वो फिर आप जो मर्जी चूज कर लें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। डेली के साथ आप H4 कर लें, M30 कर लें, या डेली के साथ H2 कर लें और साथ M15 कर लें, ठीक सर है। ये M15 एंट्री के लिए सर, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन M15
एंट्री के लिए भी अच्छा है, हम M5 तक जाएंगे, जब हम एनालाइज आगे जाएंगे तो हम ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि आपने डेली के साथ कोई दो टाइम फ्रेम यूज कर लेने हैं, H4M30, H2M30, H2M15, ये आप पर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन H4 वो भी अच्छा है, H2 भी अच्छा है, कोई इतना खास फर्क नहीं होता। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि दो रिलेटिव जो टाइम फ्रेम होते हैं ना पास पास, उनमें इतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बात क्या है, लॉजिक जो समझने वाली है, अगर मैं आप अगर हम यहाँ सिर्फ M15 भी कर लेना, यानी इस ग्रे बॉक्स में मैं अगर M15 पे चला जाऊँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये तो नहीं है कहीं कि उधर हमने H2 और M15 का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो, तो ऐसा नहीं होता। अब ये देखें, ये देखें यहाँ ही मार्केट M15 का क्या होगा, M15 में ये होगा कि आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ आ जाएगी इस लेवल पे, ठीक है। इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, मार्केट ऊपर गई कंप्लीट, ऊपर जाने के बाद कंप्लीट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो बनाती जा रही। अब मार्केट ने फाइनली क्या किया, फाइनली मार्केट ने ये लो बनाया, इस लो ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, ठीक है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के बाद कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज है, लेकिन कैंडल बॉडी इसके बाद नीचे क्लोज नहीं है, नीचे मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया, स्वीप किया, अगेन मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया, दो बार स्वीप किया, थर्ड फाइनल मार्केट ने क्या किया, ऊपर अगेन स्वीप, और फाइनली मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया आपको इस लेवल पे। अब ये क्या बन गया आपका, बेस्ट चेंज ऑफ करेक्टर। अब देखें, अब वो जो पॉइंट मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिमम दो टाइम फ्रेम, अगर आप डेली H2 और M15 यूज करते हैं तो देखें कितनी खूबसूरत चीज होती है कि आपको जो चीज यहां जाके पता लगनी थी यहां जाके, ठीक है, वो मार्केट ने आपको कितना क्विक रिस्पॉन्स दिया है। पहले हमने इसको यहाँ फाइंड किया, अब हमें मार्केट ने यही रिस्पॉन्स दे दिया। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब स्वीप बेस चेंज होता है तो हम मार्केट को लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जाएगी, लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाए, स्विंग भी ब्रेक हो जाए, तो स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ जब स्विंग भी ब्रेक हो जाती है तो किसकी इंडिकेशन होती है, वो बुलिश कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल की, ठीक है। यानी पहले स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर स्विंग भी ब्रेक हो गया, तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देखें कंप्लीट चेंज हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर से ज्यादा नहीं तो एक आध बात जरूर समझ आई होगी, आज काफी मजा आया सर। ठीक है। सर टुडेज लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। चलें, अभी ये इंटरेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़ेगा जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट करके दो तीन टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फाइनल रिजल्ट यही आएगा, मेन चीज हमने यही सीखनी है, ठीक है। अब आप देख लें कि आपके सामने अगर आपको कुछ नहीं ना पता, ना ऑर्डर ब्लॉक का, ना फेयर वैल्यू गैप का, ना किसी और चीज का, सिर्फ ट्रेंड से ही आप ट्रेड बहुत प्यारी कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी दूसरी तीसरी चीज की। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको एक और टिप दूंगा जिसमें आपके ट्रेंड की वैलिडेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, वो भी आपको इंशाल्लाह ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आप लोगों के पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को समझाने की। सर जी अली फरहान भाई, आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लें आप जिसका भी, जो भी क्वेश्चन। अच्छा मैंने ये पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो शुरू में गोल्ड की एग्जांपल दी है उसमें गोल्ड बुलिश है वन डे पे, क्या ठीक है, मल्टीपल एनालिसिस से ये पता लगाया जा सकता है कि वो बुलिश कब तक रहेगा, उसके बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड है? हाँ जी, वो अभी मैंने करके दिखाया नहीं H4 पे कि इंड्यूसमेंट के, मेरे ख्याल मैंने यूरो यूएसडी पे बताया था, इसको अब हम देख लेते हैं, गोल्ड है, ठीक है, ये सारा मैं रिमूव कर देता हूँ।
हम चले जाते हैं M15 पे, ठीक है। पहले H4 की इंड्यूसमेंट किधर है, इसलिए किस किस पॉइंट पे? ये H4 का इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। अभी इधर हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेशन अभी तक हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने करना भी हो तो आप M15 पे जाएं और देखें मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। आपके बड़े बड़े रूल को नहीं, ये देखें मार्केट ने लोगों को क्या किया हुआ है, ठीक स्वीप। अब हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक ये लेवल, और दूसरा ये लेवल। अब हमने क्या वेट करना है, सिंपल। जिस साइड पे M15 से, अब M15 के क्योंकि लेवल्स हैं तो हमने कोशिश करनी है कि M15 या M30, जिस साइड पे अगर मार्केट इधर पहले क्लोजिंग दे देती है तो फिर बाय बाय बाय, फिर ये जाएगा तकरीबन 2200 तक भी जा सकता है, ठीक है, M15 के मुताबिक। लेकिन अगर मार्केट पहले इस साइड पे क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम इसको इस रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं। कितना सेल कर सकते हैं? इतना, 2012 तक सर। ठीक है, इस इंड्यूसमेंट लेवल तक। और यही रूल जो आपने, मैं कहता हूं जो बंदा 10 लेक्चर पे ग्रिप कर लेना, इतने का कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपको दूसरी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर, लिक्विडिटी स्वीप, स्विंग बेस, MSS, यही चीजें बार बार आपके सामने आएंगी। ये देख लें, बाकी ने लिक्विडिटी स्वीप की है M15 पे, M30 पे देख लें, लिक्विडिटी स्वीप है। अब हमने क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ऊपर क्लोज होगी, क्योंकि इस लो को स्वीप किया है, ये इसके दरमियान पीक पॉइंट है, उसके ऊपर क्लोज होगी तो बाय, नीचे क्लोज होगी तो सेल, यहां तक फिर हम सेल कर सकेंगे, ठीक है। तो सही, यही चीजें हम बार बार अप्लाई करेंगे एंटी टेक्निक्स में, और कुछ भी नहीं, यही चीजें हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। किस एंग, लेकिन मार्केट को सिर्फ देखने का अंदाज ही सीखना है ना। ट्रेडिंग तो आप माशाल्लाह पहले भी कर रहे हैं, कब कैसे क्या कौन सा फैक्टर हमने कंसिडरेशन में लेके आना जिसको देखते हुए ट्रेड करनी है, तो इंशाल्लाह ये चीजें आप सीख जाए। जी इंशाल्लाह। सर ये सॉरी, क्रिप्टो पे भी यूज हो सकती है सर ये चीजें? क्रिप्टो पे भी यूज हो सकती है ना सर ये चीजें? अच्छा ये आपने खुद फाइंड करना है, जी सर, ठीक हो गया सर। ठीक है ना। कोशिश किया करेंगे एक काम करके बताया करें, सर उस पर ये किया फेल हो गया, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा क्या है, सर ठीक हो गया सर। ठीक है ना। तो लेकिन क्रिप्टो के लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, क्रिप्टो पे जो बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेगा वो कामयाब रहेगा, छोटा टाइम फ्रेम आपको ऐसे घुमाएगा जैसे वो रेसलिंग वाले नहीं घुमाते एक दूसरे को। नहीं सर, उस पे यानी कि अगर हम वनडे पे एनालिसिस करते हैं तो एंट्री भी वनडे पे ढूंढेंगे आप? नहीं देखें क्रिप्टो, क्रिप्टो को ना मैं वैसे क्रिप्टो की ट्रेडिंग के इतना हाथ में नहीं हूँ, जी सर, वो क्रिप्टो की आपने मैं कहा था ना स्टॉक, कि मैं करता हूँ खुद सैटरडे क्रिप्टो संडे की को सर। स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लेके रख लेते हैं, जिस तरह स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती जी जी सर, ठीक है, हो ठीक है ना, गया। वो डिफरेंट चीज है। स्पॉट ट्रेडिंग डिफरेंट है, फ्यूचर ट्रेडिंग डिफरेंट है, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने कोई नई बात सीखी है, कोई फायदा हुआ जी आप सर, लोगों को। जी हाँ, सर, बिल्कुल फायदा हुआ है। यस सर, थैंक्स ये अ फायदा मुझे तब नजर आएगा जब आप लोग इस काबिल हो जाए मुझे करके दिखाएं। ये जब स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट हो गई ना, तो आप सब लोगों ने प्रेजेंटर बन के सबको प्रेजेंट करना है। जब तक स्ट्रक्चर मैपिंग पे आपकी हर तरह से कमांड नहीं होगी, मैं आगे कोई लेक्चर नहीं दूंगा, ये बात अपने माइंड में बिठा लें। हर जी। एंगल इंशाल्लाह से, सर, तो इस हर बात पे एंगल एग्री से हैं सर मैं, हम। जी चलिए अच्छी बात है, हर एंगल से मैं क्वेश्चन करूंगा। उस वक्त मैं स्टूडेंट होऊंगा, आप लोग मार्केट चलाने वाले होंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या हो रहा है भाई इधर, क्यों ऐसा हो रहा है। वो जो पास कर जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस दिन आप ट्रेडर हैं, फिर एंटी टेक्निक कुछ भी नहीं रह जाती। क्योंकि अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में गलत ट्रेड भी ले लेंगे ना तो वो आपकी निकल जाएगी, लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट बैठ जाएंगे तो फिर वो आपको लॉस ही लेना पड़ेगा, यस सर, ठीक है। चलें, सही बात इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर जो है कोशिश करता हूँ, ये जो लास्ट लेक्चर है ज्यादा नहीं तो 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएंगे दोनों, मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर, ठीक है। सर। थैंक यू सर, जी थैंक यू सर, सर, डियर सर, अपना ख्याल रखिएगा, असलाम थैंक यू वालेकुम। सर, ओके सर। जी अल्लाह हाफिज़।